हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्रत स्पेशल रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो हर व्रत में आप यही बनाकर खाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। एक कप साबूदाना ले लिए हैं और ये मीडियम साइज़ का साबूदाना है जिससे हम खीर बनाते हैं। और अब सबसे पहले पैन गरम कर लेंगे और पैन में साबूदाना डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। लगातार चलाते हुए साबूदाना को 4 से 5 मिनट भून लेंगे। कलर हमको चेंज नहीं करना है। साबूदाना को भून लेने से क्रिस्पी हो जाता है और अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, इसलिए भूनना बहुत ही ज़रूरी है। साबूदाना को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और पूरी तरह ठंडा होने देंगे। साबूदाना पूरी तरह ठंडा हो गया है, अब मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेंगे और पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड कीजिएगा। गरम गरम में ग्राइंड करेंगे तो साबूदाना अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा और चिपक जाएगा। साबूदाना का बहुत ही अच्छा और चिकना आटा बनके तैयार हो गया। अब छान लेंगे, एक आध मोटा पार्ट होगा वो छन जाएगा। आटा को छान लिए हैं, कुछ भी नहीं है और रह भी जाता है तो आप दोबारा से ग्राइंड कर लीजिए। फाइन और चिकना साबूदाना का आटा बनके तैयार हो गया। इसे आप एयर टाइट डब्बा में रख करके 1 महीना तक यूज कर सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ का आलू को बॉयल करके ले लिए हैं और अब बारीक वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आलू में एक भी चंक्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए आलू को ग्रेट करके लेना ही ज़्यादा अच्छा होता है। आलू को भी माप लेते हैं। 1 कप साबूदाना लिए हैं तो 1 कप ही लगभग आलू है, तो इससे ज़्यादा आलू नहीं लीजिएगा। और अब आटा लगा लेते हैं। तो एक बाउल में आटा डाल लेंगे और आलू भी डाल लेंगे और व्रत में खाए जाने वाले मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ मैं 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा को क्रश करके ले लिए हैं। जीरा को क्रश करके लेने से अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे, इसे व्रत का नमक भी बोलते हैं। और अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया अच्छा क्वांटिटी में डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी पानी नहीं डालेंगे। आलू को आटा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर देखते हैं कितना पानी लगता है। आलू को आटा में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसा हम पूरी पराठा के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही सॉफ्ट आटा लगाना है। और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, एक साथ ज़्यादा पानी डालने से गीला भी हो सकता है डो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। और अब ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और साबूदाना अच्छे से फूल भी जाएगा। आटा सेट हो रहा है, तब तक व्रत में खाने वाला चटपटा चटनी बना लेते हैं। छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिए हैं। मूँगफली को रोस्ट करके छिलका हटा करके ले लिए हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और 1 चम्मच दही डालेंगे। दही की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। 1 हरी मिर्च को 2 टुकड़ा में तोड़ करके ले लिए हैं। मिर्च आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर लीजिए। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, व्रत में खाने वाला नमक। थोड़ा सा पानी डाल करके ढक्कन लगा करके ग्राइंड कर लेंगे। तीखा चटपटा चटनी बनके तैयार हो गया और आटा को भी रखे हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है। आटा अच्छे से सेट हो गया है। देख लेते हैं आटा को। आटा थोड़ा टाइट हो गया है क्योंकि साबूदाना ज़्यादा फूलता है, तो थोड़ा सा पानी डाल करके आटा को सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लगभग 2 चम्मच पानी डाल करके आटा को सॉफ्ट कर लिए हैं। आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। और अब चकला लेंगे और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और लोई तोड़ लेंगे। इस तरह से मसलते हुए गोल कर लेंगे और पेड़ा बना लेंगे। और अब चकला पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। कोई भी व्रत का आटा ले सकते हैं, जैसे सिंघाड़ा का आटा या सावा का चावल का आटा। यहाँ मैं सावा का चावल का आटा ली हूँ। और अब बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से बेला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि आलू और साबूदाना का पूरी है, तो थोड़ा मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह का पूरी हमको बना के तैयार करना है। ये ज़्यादा ना मोटा है और ना पतला है।
तो एक पूरी बना के तैयार कर लिए। एक किनारे से फटा फटा लग रहा है तो कोई भी ढक्कन या डब्बा ले लीजिए और इस तरह से शेप दे दीजिए तो बहुत ही अच्छा गोल पूरी बन के तैयार हो जाएगा। और एक किनारे को वापस फिर से बेल लेंगे। इसी तरह सभी पूरियाँ बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं तलने। कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं और तेल अच्छे से गरम हो गया है। आप चाहे तो तेल की जगह घी भी ले सकते हैं, जो आप व्रत में खाते हैं वो ले लीजिए। और अब एक पूरी डालेंगे और इसी तरह थोड़ी देर पकने देंगे। जैसे ही पूरी फूल जाएगी पलट लेंगे और दूसरे साइड भी सेक लेंगे। ज़्यादा पूरी को सेकेंगे तो पूरी कड़क हो जाएगी, नरम नरम पूरी नहीं बनेगी, इसलिए ज़्यादा नहीं सेकना है। दोनों तरफ पूरी अच्छे से पक गई है, अब निकाल लेंगे और इसी तरह सभी पूरी को तल लेंगे। साबूदाना और आलू की स्वादिष्ट पूरी बनके तैयार हो गई। इसे मैं दही और मूंगफली के चटनी के साथ सर्व की हूँ। सभी पूरियाँ फूली फूली और नरम बनके तैयार हुई है। एक पूरी मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ और इसे आप अपने पसंद का कोई भी चटनी या सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।